हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बसंत भारद्वाज ओनली वे टू एजुकेशन। तो दोस्तों, चलिए हम आज फिर आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। कहता है कि ऑब्टेंड ऑल द जीरोज ऑफ 3x^4 +6x³ -2x²-10x और -5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 -√5/3। यानी कहता है कि ये जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है इसका सभी जीरो आप निकालिए, ठीक, जिसमें कि दो जीरो आपका दिया हुआ है और बाकी जितना एक जीरो हो, दो जीरो हो, 3, 4, 5, 10 जो भी जीरोज निकलेगा वो कहता है कि आप निकालिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि इसका कितना जीरोज निकल सकता है, ठीक। तो जितना डिग्री होगा उतना ही जीरोज आपका आएगा। तो इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? 4, ठीक। हाईएस्ट डिग्री कितना है? 4। तो इसमें जीरोज कितना आएगा? 4 जीरोज आएगा। तो दो जीरोज आपका दिया हुआ है और दो जीरोज आपको निकालना है। तो अब एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो जीरोज दिया हुआ है यह जीरो किसके बराबर होता है? तो यह वेरिएबल के बराबर होता है। जैसे कि आता है ना लास्ट में हम जो सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका x+1=0 जाता है जैसे, तो x=2 कितना आता है? -1, ठीक। ये जो जीरोज -1 आया ये x के इक्वल में है। तो यहाँ जो हमारा दोनों जीरोज दिया हुआ है, ठीक, ये जो दोनों जीरोज है तो क्या लिख सकते हैं? x=√5/3 लिख सकते हैं। और फिर क्या होगा? x=, आपका क्या होगा? -√5/3। अब हम क्या करते हैं इस पर आप एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि दोनों को हम एक साथ ही रख लेते हैं, ठीक, इस दोनों को हम एक साथ ही। तो क्या हो जाएगा? x -√5/3 और ये क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका x+√5/3, ठीक। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि ये किस रूप में दिख रहा है। ये दिख रहा है ना a-b और ये दिख रहा है a+b के रूप में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² और -b² ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम अगर फॉर्मूला के तौर पर लिखना चाहते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे? x² और -b², ठीक। तो b² जैसे हमारा होगा, ये तो x² लिख दिया है ना, जैसे हम b² होगा, b² का मतलब 5√5/3 का स्क्वायर। तो चलिए कि √5/3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से आपका रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी रूट का मतलब क्या होता है कि रूट, जैसे आपको दिया है √5/3, तो इसका मतलब क्या होगा? 5/3 कितना दिया? 1/2 दिया हुआ है, ठीक। अब इस सब के ऊपर पर अगर पावर 2 दिया हुआ है तो ये पावर क्या हो जाएगा? 5/3 1/2 × 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर 1 बचेगा सिर्फ आपका कितना? 5/3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5/3। अब यह जो पॉलिनोमियल्स आया इसमें क्या करेंगे हम? इसमें डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम? डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को लिखते हैं। अगर आप लोग इसे नहीं लिखे हैं तो इसको ध्यान से लिख लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है किन्हीं को तो वो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर कैसे के समझ में नहीं आया। तो चलिए हम एक बार खुद से फिर बता देते हैं कि जैसे कोई भी जीरोज जो होता है वो किसके वेरिएबल के बराबर में आता है? वेरिएबल के बराबर में। तो जीरोज जो है उसको हम क्या कर, इक्वल टू जीरोज हम लिखेंगे, ठीक। इसको हम क्या कर लिए? एक्स के साइड ही दोनों को रख लिए, तो ये a-b और a+b के रूप में आ गया। यह फॉर्मूला किसका होता है? a²-b² का। तो a² x था तो एक्स का स्क्वायर कर दिए, b² आपका क्या था? √5/3। इसका जब स्क्वायर किए तो रूट कैंसिल हो गया, बच गया क्या चीज़? 5/3। तो यही आपका आया। इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। चलिए अब देखिए, अब आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दिए। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले तो लिख लीजिए x²-5/3 किस में डिवाइड करना है? 3x^4 + 6x^3 - 2x^2, इसको भी इरेज कर देते हैं क्योंकि इसको हम
नीचे लिख चुके हैं, ठीक है ना। इसको हम नीचे यहाँ लिख चुके हैं डिविजर में, टू एक्स टू द पावर टू माइनस टेन एक्स और माइनस का फाइव। अब चलिए अब डिवाइड आप लोग कैसे करिएगा, तो आप लोगों को पता होगा कि डिवाइड कैसे करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, एक्स टू द पावर फोर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक। तो चलिए इसमें हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एक्स पर पावर फोर, एक्स टू द पावर फोर हमारा उड़ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ थ्री भी है तो हम क्या करते हैं, इसको थ्री एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर और थ्री एक्स स्क्वायर को करेंगे थ्री एक्स टू द पावर फोर हो जाएगा, ठीक। ये सब्ट्रैक्ट जब होगा तो यहाँ इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस का साइन हो जाएगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस फाइव बाय थ्री, माइनस फाइव बाई थ्री को करना क्या, थ्री एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई थ्री एक्स स्क्वायर से, तो अपन में वन होगा कुछ नहीं, तो थ्री और थ्री कट जाएगा, तो माइनस फाइव दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर। तो चलिए यहाँ हम लिख सकते हैं ना, माइनस फाइव एक्स, सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे, हम इसके सामने लिखेंगे माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, ये माइनस का साइन, ये साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। ये तो प्लस और माइनस ये हमारा ख़त्म हो गया। अब क्या बचा, प्लस का इसको क्या लिखेंगे, प्लस का साइन नहीं देना है, सिक्स एक्स टू द पावर थ्री, माइनस टू और प्लस फाइव क्या है, माइनस टू और प्लस फाइव, तो पाँच रुपया आपके पास है, दो रुपया अगर किसी को दे दिए फिर तो तीन रुपया आपका बचा हुआ है। तो ये क्या जो प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स और माइनस फाइव, ये एज इट इज रह जाएगा, जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से लिखा हुआ रह जाएगा। अब चलिए कि अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यह ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है आपका एक्स स्क्वायर है, हाँ सिक्स एक्स क्यूब है, तो अगर हम एक्स से प्लस एक्स से भाग करते हैं तो फिर ये एक्स क्यूब तो हो जाएगा लेकिन सिक्स नहीं आएगा। तो चलिए भाई हम सिक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, जब सिक्स एक्सिस को मल्टीप्लाई करेंगे ये तो सिक्स एक्स टू द पावर थ्री आ जाएगा, ठीक, पॉजिटिव ही है। और इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस फाइव अपॉन में थ्री मल्टीप्लाई कितना, सिक्स एक्स अपॉन में वन है सिक्स टू, तो फाइव टू जा टेन, तो कितना आ जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, माइनस टेन एक्स, तो माइनस ये हो जाएगा आपका टेन एक्स हो जाएगा ना, बाकी बात अब कहीं कुछ नहीं है। तो चलिए फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस है तो ये साइन माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये साइन आपका प्लस हो जाएगा। तो ये तो फिर आपका खत्म हो गया, क्या बच गया, थ्री एक्स टू द पावर टू और माइनस का टेन प्लस का टेन, ये भी आपका खत्म हो गया, और बच गया क्या चीज़, माइनस फाइव, यह एज इट इज लिखा गया। अब चलिए कि अब किस चीज़ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इतना आ जाएगा। तो चलिए थ्री एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है ही, अगर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्यूब आना स्वाभाविक है कि क्यूब में आ जाएगा, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, सिर्फ थ्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक, प्लस थ्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर पर फिर क्या आ जाएगा, माइनस फाइव अपॉन में थ्री और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, थ्री, तो थ्री थ्री कर जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस फाइव बचेगा, और माइनस का ये बचेगा आपका फाइव, ये माइनस करना है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस का साइन है तो माइनस, माइनस का साइन है तो प्लस, प्लस थ्री एक्स और माइनस थ्री एक्स खत्म, माइनस फाइव और प्लस फाइव ये भी खत्म, ये आपका जीरो, रिमाइंडर कितना आ गया आपका, जीरो आ गया। डिवाइड में अगर आप लोगों को कहीं कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक, इसको मिटाना पड़ेगा ताकि आगे जा करके हम फिर से सॉल्व कर सकें। अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम इरेज करने से पहले एक चीज़ कह देते हैं कि अब जो ये हमारा कोसेंट आया है, ठीक है, जो हमारा कोसेंट आया है यानी जो हमारा भागफल आया है, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। इसको फैक्टराइज करने के बाद हमारा दो जीरो जो और निकालना है, ठीक, वो दो जीरो निकल जाएगा। तो चलिए इसका हम फैक्टराइज करके दिखाते हैं, आप लोग साथ साथ लिखते जाइए, अगर लिख नहीं सकते हैं तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लिख रहे हैं भाई, लिखने लगते हैं तो समझ में नहीं आता है, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को फिर से प्ले करके, अगर कहीं कोई समस्या है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, तीन बार देखिए,
ठीक आपको निश्चित समझ में आएगा, अगर किन्हीं को नहीं आ रहा है। ऐसे हम इतना सरल तरीका से बता रहे हैं कि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब इसका फैक्टराइज करिए, क्या है 3x^2 प्लस 6x और प्लस का 3। इसका लिखिए फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं हम, तो सबसे पहले तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, देखिए हम साइड में लिखते जाते हैं और बताते जाते हैं, 3×3 = 9x². अब ये जो बीच वाला टर्म है 6x, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, ठीक, किस तरीका से दो भाग में तोड़ेंगे जो कि गुणा करने के बाद 9x² हो और जोड़ने के बाद 6x भी आ जाए। ठीक, तो देखिए कि अगर हम 6 का फैक्टर क्या होता है 1, 2, 3, ठीक, और 6 तो हम 3+3 ही कर सकते हैं, तो 6 होगा, क्या कर सकते हैं 3+3 ही कर सकते हैं, तो 3×3 कितना हो गया 9। अगर इसी में हम x ऐड कर देते हैं तो x × x कितना आ जाएगा 9x², और 3 और 3 को जब जोड़ते हैं तो ये भी हो जाता है आपका 6, और x में x जुड़ता है तो x ही रह जाता है, तो ये दोनों आ रहा है ना। तो चलिए ठीक, इसको क्या लिख लेते हैं 3x^2 प्लस 3x, फिर प्लस से 3x और प्लस में 3। अब देखिए, अब आगे कॉमन आप इस दोनों टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 3x कॉमन ले लीजिए इस दोनों टर्म से, सॉरी इस तरीका से दोनों टर्म से, तो क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ पर 3x हो गया तो x बचेगा, और प्लस का क्या बचेगा, यहाँ पर 3x बाहर ही आ गया तो 1 बचेगा, फिर प्लस 3 इस दोनों टर्म से क्या करते हैं हम 3 कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा x प्लस 1। तो आपका दो टर्म आया, एक तो ये आया और एक ये आया, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 3 और क्या आ जाएगा x प्लस 1। तो अब आप क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, x इक्वल टू -3/3, दोनों कट जाएगा तो कितना बच जाएगा -1, और सेकेंड 0 जो आपका आ रहा है वो कितना आ जाएगा x इक्वल टू -1, या इसको लिख सकते हैं हम ना x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना -1। देखिए यहाँ आपका क्या निकल गया, x इक्वल टू -1 यहाँ भी आ गया और x इक्वल टू -1 भी यहाँ आ गया, तो दो जीरोज तो आपको पहले से यहाँ दिया हुआ है, ठीक, एक प्लस √5/3 और -√5/3, और दूसरा कितना आ गया -1 और -1, दो जीरोज ये निकल गया, तो दो जीरोज यहाँ से और दो जीरोज यहाँ से, यानी दो दो 4 जीरोज, टोटल आपका कितना जीरोज निकलेगा 4, क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में हम आप लोगों को बता दिए थे कि जो भी डिग्री होगा उतना जीरोज आपका आएगा, तो इसका डिग्री कितना था 4 था, यानी हाईएस्ट पावर घात जो था आपका हाईएस्ट पावर जो था वो 4 था, तो इसका 4 जीरोज निकला, 2 जो कि आपको दिया हुआ था 2 हम यहाँ निकाल लिए। अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत हो क्वेश्चन नंबर 3 में, एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर यहाँ हमें प्रॉब्लम हुआ है, इसको समझा दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज बसंत भारद्वाज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, सब वीडियो एक साथ आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं, किसी अन्य कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो या और भी कोई चीज़ का समस्या हो तो उस क्वेश्चन का भी डिस्कशन हम लोग आपस में कर सकते हैं मिल करके। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर, मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर, जो कुछ भी हो, जो भी सोशल मीडिया है उस पर आप शेयर कर लीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हम डेली एक क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आते हैं, किसी दिन दो क्वेश्चन भी हो सकता है, किसी दिन तीन क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन डेली लेकर के आते हैं, तो यह क्वेश्चन मिस ना हो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।